गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.4। 7.4 में अब क्वेश्चन नंबर 7 रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 की कुल फ्रैक्शन का है, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन का ए पार्ट, ए पार्ट में लिखा 5/9 इक्वल टू 4/, हमें बताना है कि जो 5/9 है वो 4/5 के बराबर है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, वही जो हमने पहले किया 5/9 राइट किया, 4/5 भी राइट कर देंगे। जैसे राइट किया तो 5 को इस वाले 5 से मल्टीप्लाई, 9 को 5 से, और इधर भी 4 मल्टीप्लाई 9 25/45 आ गया, 36/45। तो ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरूर देखेंगे। ये वाला बराबर नहीं आ रहा, तो हमने राइट कर लिया 25/45 नॉट इक्वल टू 36/45। तो ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू लगा दिया है। इसी के बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो हमारे पास, वो है क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर रहे हैं, बी पार्ट है 9/16 इक्वल्स टू 5/9। अब 9/16 हमें बराबर करना है, तो हमने 9/16 9 × 9 किया, 16 × 9, और 5/9 को 5 × 16 9 × 16, तो 9 9s हो गया 81 और 16 9s 144, और ये 80 और ये दोबारा से 144, तो आ गया दोबारा से नॉट इक्वल टू है 144। ये दोबारा से बराबर नहीं रहेगा। अब इसी का जो सी पार्ट है वो कर रहे हैं हम, तो 4/5 है और 16/20, तो इस वाले 4/5 को सिंपली दिख रहा है हमें बराबर करना है, तो हमने क्या किया दोबारा से जैसे पीछे वाले की तरह 4 × 20 इस 20 से, और 5 × 20 और 16/20 है, तो 16 × 5 और 20 × 5 ये आ गया 80/100, ये भी आ क्या आ गया 80/100। इसका आंसर बराबर आता है। तो लास्ट जो डी पार्ट है इसका वो होमवर्क ट्राई करें, इक्वल टू 4/30। ओके, हमारा क्वेश्चन इसी के साथ ओवर हो गया। थैंक यू।